जय हिंद दोस्तों, आज का अपडेट टाटा पंच के एवरेज के ऊपर ही है, एमआईडी प्लस हम इसे आज टैंक टू टैंक भी मेज़र करेंगे। सो जैसा आप मेरा ये ट्रिप भी देखोगे तो कार कल मुझे रिज़र्व शो कर रही थी, तो मैंने उस वक्त इसके ट्रिप को रीसेट कर दिया था। तो 3 किलोमीटर चले थे हम लोग और अभी 8 का माइलेज दिखा रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप और इसको फिल कराता हूँ, फिर जितनी भी हमारी ट्रिप होगी और जब ये दोबारा से रिज़र्व शो करेगी उस टाइम पे हम इसका एमआईडी का एवरेज भी देख लेंगे और फिर हम उसको कैलकुलेट भी कर लेंगे कैलकुलेटर में कि क्या एवरेज आ रहा है, एमआईडी और टैंक टू टैंक क्या मैच करता है कि नहीं करता है। ओके ठीक है, तो पंप पे आ गए हम, हमने 25 लीटर का पेट्रोल डलवा दिया, ठीक है ओके। सो अभी हमने पेट्रोल फिल किया है पंप से, 25 लीटर आया है इसमें अराउंड, तो ऑटो कट करवाया मैंने और अब देखते हैं कितनी कंप्लीट ट्रिप कितनी होती है, इसमें दोबारा से रिजर्व में आती है गाड़ी। ओके अभी हमने 10.3 किलोमीटर कवर किया है और अभी एवरेज 9.8 है। तो ये एक्चुअली ट्रैफिक वाला रोड है जिसमें हम चल रहे हैं अभी, क्योंकि ऑफिस का टाइम है। आई एम श्योर कि आई थिंक एवरेज जाना चाहिए इसका 15-16 के बीच में। थर्टीन पॉइंट सिक्स किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दी है, 27 किलोमीटर हम चल चुके हैं। अभी रोहिणी साइड है, हैवी ट्रैफिक, गाड़ी में बैठ के कंफर्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, सीट की जो कंफर्ट लेवल है बहुत ही अच्छा बनाया है उन्होंने टाटा ने, बिल्कुल भी बैक पेन नहीं हो रही है, आपको प्रॉपरली कवर कर देती है सीट। मैं बाद में इसका एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कार का, क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। सो दोस्तों फाइनली हमने 84 किलोमीटर कवर किया है अभी तक और अभी एमआईडी में 18.2 किलोमीटर शो कर रहा है। ये हाईवे का रूट भी था मेरा और ट्रैफिक वाला रूट भी था, तो अभी देखते हैं ये जो हमने मॉर्निंग में टैंक फुल कराया था वो आज तो नहीं होने वाला ख़त्म, तो इसमें टाइम लगेगा। ये आई थिंक 5-6 दिन की वीडियो होगी जिसमें कट कट करके बनाऊँगा, फिर सबको ज्वाइंट करके आपको एक फाइनल फिगर दूँगा। सो ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हम टैंक टू टैंक अभी ये माइलेज टेस्ट कर रहे थे, जिसमें हमने जब गाड़ी रिजर्व में आई थी तो टैंक फुल करवाया था। आज सेकंड डे है और आज हमारा हाईवे रन था, मेजॉरिटी हाईवे था, 80% हाईवे 20% सिटी, और अभी ये 168 किलोमीटर जा चुकी है और 18.8 का एवरेज शो कर रहा है। तो मैं अभी रुका हुआ हूँ एक जगह गुड़गांव में शंकर चौक के पास, 18.8 टच किया, तो मैंने बोला एक अपडेट दे देता हूँ। अब आगे कंटिन्यू रहेगी ये वीडियो, जितने भी दिन में ये ख़त्म होगा उसका एक छोटा सा वीडियो कंपाइल करके मैं आप सब लोगों के लिए यूट्यूब में डालूँगा। फ्रेंड्स द्वारका में एंट्री हो गई है और माइलेज आ रहा है 19.2 अभी तक का बेस्ट माइलेज न्यू कार ने शो किया है। सो फ्रेंड्स फाइनली दोबारा से रिजर्व में लग गई है गाड़ी और 17.6 का एवरेज दिया है इसने, सिटी प्लस हाईवे प्लस लोकल। 421.8 किलोमीटर चली है। सो फ्रेंड्स अब एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारा एक्चुअल एवरेज कितना आया है। एमआईडी में 17.6 शो कर रहा था तो हमने 25.31 लीटर इसमें फ्यूल भरवाया था और ये चली है 421.8 डिवाइडेड बाय 25.31, 16.6 का माइलेज दिया है और एमआईडी में 17.6 शो कर रहा था, विच मीन्स कि एक का फ़र्क है, 1 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज में फ़र्क आ रहा है। हम इसी को अगर देखें कि कितना रुपीस किलोमीटर हमें पड़ रहा है ये, तो हमने 2448.99 का फ्यूल भरवाया था डिवाइड बाय
421.8 ये चली है, ये 5.8 रुपीज़ पर किलोमीटर का हमें इसने अभी कॉस्ट किया है। सेकेंड थिंग इज़ नेक्स्ट हम टैंक टू टैंक भी मेजर करेंगे और देखते हैं कि उसमें फिर क्या फ़र्क आता है। और प्लीज़ गाइज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।